नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने गुरुग्राम जिले के सरकारी अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक जी का कहना है कि गुरुग्राम के अधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनके इस काम ना करने की वजह को उन्होंने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है और एक लिस्ट तैयार की है, जिसको वो जल्द ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को सौंपने वाले हैं। मंगलवार को निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें ये तमाम आरोप उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर लगाए हैं। आपको याद होगा, हरियाणा के एक और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी हरियाणा सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगाए थे और उसके बाद उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। क्या उसी राह पर अब बादशाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद चल रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा सरकार को यानी कि बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था अपना, और अब वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं। हमने खुद बात की है राकेश दौलताबाद विधायक से, ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ उनके आरोप हैं और किस तरह से वो इन अधिकारियों की शिकायत हरियाणा सीएम से करने वाले हैं। बादशाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम के जिले के जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज गुरुग्राम में मंगलवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें तमाम अधिकारियों पर उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनकी जो लिस्ट है वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को वो सौंपेंगे। खुद हमारे साथ राकेश दौलताबाद हैं विधायक, जो कि बादशाहपुर विधानसभा से, उन्हीं से जानते हैं। सर, विधायक जी, क्या आरोप आप लगा रहे हैं सरकारी अधिकारियों पर, क्या काम नहीं कर रहे? सरकारी अधिकारियों पर क्या काम नहीं किया, क्या आरोप लगा रहे हैं? आज आपने प्रेस वार्ता की है, नॉन परफॉर्मिंग अधिकारी किस तरह से काम नहीं कर रहे, क्या आप आरोप लगा रहे? आज हमने जो बात की है वो बात की है जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं, बिजली, सड़क, सीवर, पानी, जो इनको भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी, आज हमने बात की उनकी। हमने और डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया है इसमें, क्योंकि अभी और डिपार्टमेंट्स जो हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उन लोग, पुलिस हो गया, ये लोग जो है इस टाइम पे कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या आपने कोई लिस्ट भी तैयार की है ऐसे अधिकारियों की जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से गुरुग्राम जिले में? लोगों ने हमें लिस्ट दी है, अब हम उसको लिस्ट के साथ साथ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद वो सीएम साहब को हम सौंपेंगे। कब आप सीएम साहब को सौंपेंगे और क्या कुछ प्रूफ आया आपके पास, कितने अधिकारियों के नाम आए हैं ऐसे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं गुरुग्राम में? लिस्ट काफ़ी बड़ी है और क्या सबूत है वो सबने, हर अधिकारी के साथ अपने अपने सबूत दिए, तो वो जो सबूत है वो हम जब सीएम साहब को, हमने, मेरे को आइडिया ये है कि एक महीने के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। क्या केवल आपके विधानसभा के ही जो अधिकारी हैं उनका नाम है? गुड़गांव जिला, पूरे गुरुग्राम जिले के। सर, जो गुरुग्राम जिले में चार विधानसभाएं आती है, बाकी तीन विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक है, वो तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि उनके अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनके विधानसभा के भी अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? मैंने जैसे आपको बताया, सबका काम करने का तरीका अलग है। मेरा ये है कि अगर किसी इलाके के अंदर 100% काम होने हैं, 100 काम होने हैं, तो 100 के हों। किसी आदमी को 50 से संतुष्टि है, किसी को 10 से संतुष्टि है, मुझे अपने मैक्सिमम कामों से संतुष्टि होगी, इसलिए मेरे को वो नॉन परफॉर्मर लग रहे हैं। सर, हमारा गुरुग्राम न्यूज़ चैनल पे बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि कोरोना के इस काल के दौरान हमारे जो नेता हैं वो नदारद रहे, लोगों की समस्याएं हुई, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, EMIs नहीं दे पा रहे हैं, नौकरी उनको छूट रही है, लोगों का साफ कहना है कि हमारे नेता काम नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, जो जनता है, आम जनता, तो ऐसे लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आपने इस कोरोना काल में क्या किया? जैसे आपने बताया कि ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि इस टाइम पे लोगों को रेंट की भी दिक्कत आई है, इस टाइम पे लोगों को जो स्कूल की फीस की भी दिक्कत आई है, इस टाइम पे लोगों को जो किस्तें हैं उसकी भी दिक्कत आई है। दो चीज़ों के लिए तो मैं खुल के आप लोगों के बीच में आया था कि भाई जो फीस है वो इस टाइम पे जो है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए हम सीएम साहब से मिल भी रहे हैं और उनसे अभी फाइनली इसका लेके भी आएंगे, जो कि जो ट्यूशन फीस के अलावा नहीं भी ली गई, एक चीज। दूसरा चीज रेंट जो है, जो लोग रेंट पे थे, मैक्सिमम जगह मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमने फ्री करवा दिया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैक्सिमम जो है हमने खुद 1-to-1 करके रेंट नहीं लेने दिया लैंड ओनर्स को। सर, एक चीज ये कि क्या सीधा सीधा ये कहा जाए, बीजेपी सरकार को हरियाणा में 6 साल होने वाले, 5.5 साल हो गए, दूसरी बार वो अब हरियाणा में सर्व कर रहे हैं,
तो ऐसे में पहले जो बीजेपी के विधायक थे या जो अभी मौजूदा, उन्होंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया कि उनके अधिकारी काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप चूंकि निर्दलीय के तौर पर बादशाहपुर से जीत कर आए, तो क्या ऐसे में ये कहा जाए कि आप बीजेपी सरकार के खिलाफ ही आप खड़े हो रहे हो, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है काम कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हो कि सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे गुरुग्राम? अभी हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी विधायकों से उनके इनपुट्स लिए थे, और दैनिक जागरण और बड़े अखबारों के सभी अखबारों के अंदर ये एक हेडलाइन थी कि विधायकों की ने की शिकायत कि अधिकारी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी नहीं, बीजेपी के भी जो विधायक हैं उनकी भी ये समस्या रही है। तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ की जो लिस्ट है नॉन परफॉर्मिंग अधिकारियों की, वो लिस्ट आप सीएम साहब को देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी? होगी, मुझे विश्वास है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि जब भी सीएम साहब से मिलते हैं वो इस चीज़ के लिए इंकरेज करते हैं कि कोई अगर आदमी डिलीवर नहीं कर रहा है उसको मेरे सामने आप बताइए। गुरुग्राम में अधिकारी ठीक तरीके से काम करे, उसके लिए आपने एक नई स्कीम निकाली है, इंसेंटिव स्कीम, वो क्या स्कीम है उसके बारे में जरा बताइए। देखिए 500 साल पुराना है ये, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको आज से, ये मैंने नई शुरू की, ये हमारे प्राइवेट अलग अलग गवर्नमेंट्स जो अलग अलग देश हैं उनमें इंसेंटिव स्कीम्स चल रही हैं। तो ये जो है बिल मैं लेके आऊँगा विधानसभा में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव मिलना चाहिए। आपने भी एक अपने पर्सनल तौर पे एक चीज़ की है कि आप 25 लाख रुपए देंगे अगले साल से, क्या वो स्कीम आपने तैयार की है, किस तरह से क्राइटेरिया क्या है, किस अधिकारी को वो 25 लाख रुपए दिए जाएंगे? जो अधिकारी 1000 अंक सबसे पहले ले लेगा वो उस 25 लाख का हकदार होगा। 1000 अंक कैसे लेने हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जिस कंप्लेंडेंट का उस अधिकारी के पास काम गया और उस अधिकारी की जब हमने उससे रिवर्ट मांगा कंप्लेंडेंट से, उसने उस अधिकारी के 5 में से जितने नंबर दिए तो वो अंक प्लस होते होते 1000 जब पहुंचेंगे तो अपने आप वो है उसका क्राइटेरिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश दौलताबाद जो कि बादशाहपुर विधानसभा से विधायक है, उनका साफ साफ आरोप है कि गुरुग्राम पूरे जिले में जो चारों विधानसभाएं आती हैं वहां पे जो सरकारी अधिकारी हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, और इन्होंने लिस्ट तैयार कर ली है जो कि वो सीएम हरियाणा को सौंपने वाले हैं। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम। विधायक जी कह रहे हैं कि सारे अधिकारी उनकी बात तो मानते हैं, उनको तवज्जो भी देते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं, लेकिन जनता का काम नहीं कर रहे हैं। तो विधायक जी, आपसे सवाल ये भी बनता है कि अगर आपकी आपको सम्मान दे रहे हैं तो फिर आप जनता का काम क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सवाल आप पर भी खड़ा होता है। क्या अब जिस तरह से राकेश दौलताबाद जो आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या ये बगावत के सुर है? क्योंकि कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक जंग छिड़ी थी बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के बीच और उनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़े थे बीजेपी से मनीष यादव, उनके बीच। एक तरफ मनीष यादव कह रहे हैं कि गुरुग्राम के अधिकारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल भी उनको सम्मानित कर रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक बोल रहे हैं कि गुरुग्राम में जो सरकारी अधिकारी है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्या राकेश दौलताबाद जो निर्दलीय विधायक थे महम से, बलराज कुंडू, उनकी राह पर चल रहे हैं? क्या बगावत दिखाकर सरकार से किनारा करने का बहाना ढूंढ रहे हैं राकेश दौलताबाद? इन सवालों के जवाब आप हमें भेज सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा जवाब हो, या अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि विधायक जी क्या करना चाहते हैं, वो विधायक जी ही बता सकते हैं। हालांकि हमने उनसे कोरोना काल पर भी बहुत से सवाल पूछे थे कि क्या कोरोना काल में उन्होंने किसी की हेल्प की, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने लोगों की हेल्प की है, किराए माफ करवाए हैं। ये आप लोग बेहतर जानते हैं, आपका अगर किराया माफ कराया हो तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, विधायक जी ने आपके लिए काम किया हो, लेकिन हमारे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।